नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपके साथ सरम सर। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। जैज संगठन व आदिवासी समाज अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामड़ के समर्थन में उतरा सड़कों पर। क्षेत्रीय विधायक द्वारा जैज तहसील अध्यक्ष राजेंद्र सिंह गामड़ को शादी समारोह में धमकी दी गई थी, जिससे संगठन में समाज में खासा रोष है। सरदारपुर में छाई पीली क्रांति। आप पास के गांव माजरा टोले व प्रदेश से हजारों की संख्या में कई युवा साथी पधारे व जय संगठन के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आदिवासी विधायक होकर आदिवासी के ऊपर हो रहे अत्याचार शोषण जुल्म पर समाज के लिए नहीं बोलने का लगाया आरोप। हर चुनाव में हर काम 10 दिन में करने का वादा करते हैं, लेकिन 15 दिन में भी काम नहीं हुआ। आंदोलन कर विधायक ग्रेवाल के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध किया। सभी युवा साथी वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा सरदारपुर स्टॉप राम सिंह मेड़ा को ज्ञापन सौंप कर मांग की गई है कि विधायक प्रताप ग्रेवाल के ऊपर FIR कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। वक्ताओं द्वारा विधायक खरी खोटी सुनाई। इस दौरान सरदारपुर तहसील सहित पूरे मध्य प्रदेश के जैस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धार से कैमरामैन कुंदन गाया के साथ धार जिला ब्यूरो चीफ अजय सिंह भाबर की खास रिपोर्ट। सही कर राजन, लोगों को भड़का। तू मैं भी नहीं लपमे में घुस कर सकता हूँ। तू क्या चीज, तेरा पूरा दूर नहीं समझ जा, नहीं तो उड़ा। यह मेरी लास्ट चेतावनी है। जय तत्व राजन के साथ दूल्हा महेश के परिवार सदस्य राजन गामड़ के साथ अन्य साथी मौजूद। विधायक ने घटना में परिवार विधायक का साधन राठौर राजन की दिनों 13 तारीख को शादी समारोह राजवत में क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाला द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसमें उसके बाद हमारे पूरे मध्य प्रदेश और सरदारपुर तहसील के जेएस साथियों ने तारीख डिसाइड करके विधायक के ऊपर कार्रवाई करवाने तो ज्ञापन सौंपा है। धमकी क्यों दी गई थी आपको? वो धमकी देते हुए बोल रहे थे सुधर जा, लोग उनको भड़काने का काम मत कर। और धमकी का शब्द उनका था, मैं रत्ती गाँव दरबार के बंगले में घुस सकता हूँ तो तेरा गाँव गोलपुरा दूर नहीं है, मेरी लास्ट चेतवानी है, नहीं तो उड़ा डालूंगा। आपका नाम? राजेंद्र सिंह गामड़, जय तहसील अध्यक्ष सरदारपुर।